अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का शुक्र है हम सब लोग भी ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम विद अनदर व्लॉग ऑफ निकाह सीरीज़। ये जी निकाह पार्ट टू व्लॉग है। हम लोगों ने शॉपिंग आप लोगों को दिखा दी थी लास्ट व्लॉग में ड्रेसेस की। अब हमने लेने थे कुछ शूज़ और हम लोग आ गए थे ACS में। हम लोगों ने कुछ शूज़ देखे, काफ़ी सारी शॉप्स विजिट की, मेट्रो, ACS, स्टाइलो, तो हम लोगों ने कुछ शूज़ ले लिए थे जो लेने वाले थे। दो हम लोगों ने लिए थे खुद से और एक हमने लिया था दुल्हन के लिए हील शूज़, मदर के लिए शूज़ लिया था। और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ली थी आपको सेपरेट ब्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इसके बाद हम लोगों का आ गया था जी मेहंदी डे। हम लोगों ने दो दिन के लिए ढोलक भी रखा था। मेहंदी सब लोगों ने जैसे जैसे लगवाई थी आपको दिखाते हैं। ये मैंने लगवाई थी मेहंदी, और मेहंदी लगाने के बाद मुझे ख्याल आया कि वो मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं, तो फिर आई थॉट टू मेक सम क्लिप्स फॉर यू गाइस। तो ये डिफरेंट तरह की मेहंदी आप लोगों को दिखाते हैं, दो तीन जितने भी लोगों ने लगाई थी। हम लोगों ने एक ही फॉलर से तैयार हुए थे, उधर से ही मेहंदी लगवाई थी, उधर से ही सारा काम वगैरह करवाया था। तो ये मेहंदी एक छोटी बच्ची थी जिसने लगाई थी, और बहुत अच्छी मेहंदी उसने लगा दी थी और बहुत जल्दी लगा दी थी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर स्टे कर सकें। तो जल्दी जल्दी उसने लगा दी थी, और मुझे सिर्फ उसने वहीं पर लगाई थी, बाकी लोगों को उसने घर आकर लगाई थी। ये एक हाथ की थी, ये सेकेंड वाली साइड की थी, बैक साइड की, और दोनों साइडों पर टिकिया लगवाई थी, और बाकी दो साइड्स जो हैं वो छोटे छोटे से डिज़ाइन बनवा लिए थे। और इसी तरह ये दूसरे वाले हाथ पे लगी थी मेहंदी, और मेरी मदर ने भी मेहंदी लगाई थी माशाल्लाह। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाई थी, उन्होंने पाँवों पे भी मेहंदी लगवाई हुई थी, हाथों पे भी मेहंदी लगवाई हुई थी। वो बहुत खुश थी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, और अल्लाह ताला जो है सबके घरों में इत्तेफाक दे, प्यार दे। ये देखें जी, ये मदर ने लगवाई थी। पीछे वॉल्स वाले अंकल आए हुए हैं, उनकी वॉइस आ रही है बीच में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मुझे अभी वॉइस ओवर करना है। तो ये देखें जी, ये मेहंदी थी मदर की एक हाथ की, दूसरे हाथ पे भी तकरीबन इसी तरह का सेम डिज़ाइन था, पाँवों पे भी इसी तरह की उन्होंने लगवाई थी, और काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसका कलर बहुत अच्छा आया था। इसका इस मेहंदी का नेम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग भी चाहें तो लगवा सकते हैं। इससे हाथ बिल्कुल भी बर्न नहीं होते, और बहुत जल्दी इसका कलर आ गया था, और उतर भी अच्छे तरीके से जाती है, हाथ गंदे नहीं करती। तो टिकिया के साथ हम लोगों ने कलाई पे कुछ भरावर डिज़ाइन कुछ इस तरह बनाया था, ताकि हाथ जो हैं वो भरा भरा लगे, क्योंकि हम लोगों के हाथ बेसिकली बड़े हैं थोड़े, तो और हेल्दी भी हैं, तो थोड़ी सी बड़ी डिज़ाइन की मेहंदी अच्छी सूट करती है, और मुझे इस तरह की भरी हुई मेहंदी बहुत पसंद है। उसके बाद शादी के ढेर सारे काम होते हैं, जिसमें शॉपिंग, पैकिंग, स्टिचिंग और बहुत सारा कुछ। तो हम लोगों ने, जाहिर है हम लड़के वाले थे, हम लोगों ने बेड भी रेडी करनी थी। यहाँ पर जो है हम दूल्हे को कह रहे थे कि वो अपनी दुल्हन के लिए बेड रेडी कर ले। चले देखते हैं। इतनी सारी चीजें, कैसे बना रहे हैं? बड़ी मर्जी से डाल जी, ये वैस बनाते हुए जो मर्जी बना ले। चलो शारी काम में कितनी थैलियां बनाई हैं बताओ? दो 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 दिखाओ। ये बनाई है, और एक मिनट नाच आ रही हूँ। ठीक हो गया, ओके फाइन। सो फाइनली इट वाज़ इवनिंग टाइम और ढोलक टाइम, तो काशा एंड शारिक वाज़ द रॉक स्टार ऑन द स्टेज, और इन लोगों ने बहुत मस्ती की, और जिसकी वजह से इन्हें, क्योंकि ये बच्चे हैं, बच्चे प्यारे लगते हैं सबको, तो प्यार से नज़र भी लग जाती है, और फिर अगले दिन ये बहुत ज़्यादा रोते रहे। तो आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों को इसी तरह बच्चों के साथ खेलना चाहिए ताकि बच्चे खुश रहें। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और सब ने इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। Put your hands on me, it's on me, all, turn me off. We don't need no sleep because the party don't stop. So put your hands on me.
ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।